नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज की ट्रिक और टिप्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काम की है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा, कम समय में आपका काम भी आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब सिल्क की साड़ी या कॉटन की साड़ी या फिर सिल्क के कोई भी कपड़े पहनते हैं तो इसको घर पे धोना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि हम इसको साधारण डिटर्जेंट या फिर साबुन से वॉश करते हैं तो इसकी साइन चली जाती है। फिर हमको बाज़ार मार्केट में इसको ड्राई क्लीनिंग करने के लिए डालना पड़ता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा भी हमारा खर्च होता है और कम से कम एक हफ्ता हमारा समय भी चला जाता है मार्केट में डालने से। मार्केट में धुलवाने से अच्छा है कि कुछ ऐसे होम टिप्स हैं, यदि आप अपने घर में ही महंगी साड़ी और महंगे सूटों को घर पे वॉश करेंगे तो आपके काम को आसान होगा और आपका पैसा भी बचेगा। साथ में यदि आप एक बार पहनने के बाद दोबारा अपनी अलमारी में कपड़ा बिना वॉश करे नहीं रखते हैं तो उनके लिए यह टिप्स बहुत ही अच्छी है। लेकिन आपको मखमल के कपड़े और मोती जड़े हुए कपड़ों को इनको वॉश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बार बार कपड़ों को ड्राई क्लीन करने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनकी साइन समाप्त हो जाती है। तो कपड़े जब दोबारा पहनते हैं तो वह पुराने से लगने लगते हैं, इसीलिए कपड़ों को कम से कम एक दो बार पहनने के बाद ही आप बाज़ार में ड्राई क्लीन कराएं। हो सके तो आप कोई ऐसा मसाले का दाग या कॉफ़ी चाय आदि का भी दाग लग जाता है तो उसको आप इस टिप्स के साथ साफ़ करें और अपने घर पर ही ड्राई क्लीन करें, जिससे कि आपके कपड़े पुराने बिना लगें और उनकी साइन बरकरार बनी रहे। इसके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपके घर में ही अवेलेबल हैं, आपको कहीं अलग से नहीं लेना है। उन्हीं चीज़ों से आप घर में अपने गंदे कपड़ों में दाग लगे हुए छुटा सकते हैं। जो साड़ी है, सूट है, कभी कभी कीचड़ के दाग लग जाते हैं, कभी कभी आपने कपड़ों को सारा दिन पहन रखा है तो शाम तक वह कपड़ा तो हल्का सा गंदा हो ही जाता है। जाहिर सी बात है, उसको धोना ही ज़रूरी होता है। तो जब भी हमारा कपड़ा महंगा होता है तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो कपड़ा बहुत महंगा है, इसको कैसे हम घर पर धोएं। साधारण डिटर्जेंट से यदि आप धो लेते हैं तो वॉटर की साइनिंग चली जाती है, कपड़े की रंगत चली जाती है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे कि आपके कपड़ों की साइन बनी रहे और कपड़ा पुराना भी ना लगे, आपको बाहर भी ना भेजना पड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो कुछ किचन जैसी सामान हैं या आपके घर में भी कुछ चीज़ें जो अवेलेबल, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने काम को आसान बना लेते हैं। सबसे पहले होता है टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर सभी के घर में मौजूद होता है। आपको टैल्कम पाउडर का यूज करना है सर्वप्रथम उस जगह जिस जगह आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हों, आपको कपड़े को बिछा लेना है और उसके ऊपर टैल्कम पाउडर को छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। टैल्कम पाउडर का जो अंदर गुड़ होते हैं वह दाग को कमज़ोर करके आसानी से छुटाने में मदद करते हैं। साथ में अब आपको एक घोल बनाना है, आधा बाल्टी या एक बाल्टी पानी में आपको कम से कम दो पाउच शैम्पू के डालने हैं। साथ में आपको कंडीशनर भी डालना है जिससे कि कपड़ों की साइन बनी रहे, तो आपको कंडीशनर डाल देना है दो पाउच। अब आपको आधा कप विनेगर, यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी उसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि आपके पास है तो आप आधा कप विनेगर डालें और इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपका जो भी कपड़ा है, साड़ी है, सूट है, फैंसी कपड़ा है, पार्टी वियर कपड़ा है, उसको उसमें डालकर छोड़ दें। हाथों से हल्के हल्के हाथों से आप रब करें और आप सादा पानी से धोकर सुखा दें, वो भी बिना धूप में सुखाएं। कपड़ों में आसानी से प्रेस करें, देखिए क्या कपड़ा और साड़ी कितना नया हो जाएगा। टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।